सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज मैं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ आप लोगों के बीच हाजिर हूँ आज का विषय लेकर के। आज का विषय है शिलाजीत। आज हम शिलाजीत के बारे में बात करेंगे, शिलाजीत के पहचान, शिलाजीत के फायदे, गुण व शिलाजीत की मात्रा व किन रोगों को में शिलाजीत निषेध है, इन विषयों पर हम आज बात करेंगे। व स्वस्ति रोगो भुवि साध्यरूप शिलाहयम यत्र जयत प्रसाह। अर्थात इस संसार में रस धातु आदि विकृत से पैदा हुआ ऐसा एक भी रोग नहीं जो शिलाजीत के सेवन से नष्ट न हो सके। सर्व व्याधि विनाशनम, यानी सभी व्याधियों का नाश करने वाली सबसे ताकतवर औषधि है शिलाजीत। शिलाजीत एक गाढ़ा लसलसेदार पदार्थ है जो हिमालय के पर्वतों में पाया जाता है। आयुर्वेद में शिलाजीत की बहुत ही प्रशंसा की गई है, जहां इसे बल पुष्टिकारक, ओजवर्धक, दौर्बल्य नाशक एवं धातु पौष्टिक अधिकांश नुस्खों में शिलाजीत का प्रयोग किया जाता है। आइए जानें कि शिलाजीत का पहचान कैसे करेंगे। शिलाजीत कड़वा कसैला, देखने में तारकोल के समान काला और गाढ़ा पदार्थ होता है, जो सूखने पर चमकीला हो जाता है या जल में विलय होता है, किंतु एल्कोहल, क्लोरोफार्म तथा ईथर में नहीं घुलता है। इसके विभिन्न फायदे हैं, लाभ हैं, जिसे शिलाजीत औषधि गुणों की खान है। यह हमारे शरीर के कई रोगों जैसे त्वचा संबंधी रोगों का नाश करता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, अल्जाइमर रोगों व पेट संबंधी रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, उम्र बढ़ने वाले कारकों को रोकता है। इसके अलावा बाजपन, कफ, चर्बी, मधुमेह, श्वास, मिर्गी, गठिया की सूजन, बाबासीर, कोड, पथरी, पेट में कीड़े आदि रोगों से हमें बचाता है। इसके अलावा सेक्स पावर को बहुत जबरदस्त बढ़ाता है, शरीर को काम करने के लिए जबरदस्त ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है। इसके अलावा महिलाओं के तमाम बीमारियों में, धातु रोगों में ये काफ़ी कारगर सिद्ध हुआ है। इसकी मात्रा 1 से 2 बूंद दूध में मिलाकर सुबह शाम लेनी चाहिए। इसकी प्रकृति अधिक गर्म है, अत्यधिक गर्म होने के कारण गर्मियों में इसकी मात्रा मूंग के दाल के बराबर ही लेनी चाहिए। एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उच्च रक्तचाप व एसिडिटी की समस्या हो तो इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए। ये उच्च रक्तताप व एसिडिटी की मरीजों के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का शिलाजीत के विषय पे वीडियो। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकॉन पर क्लिक करके ज़रूर आगे बढ़ें, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। आज का वीडियो देखने के लिए
आपको धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।